हरे कृष्णा। तो आज से नवरात्रि शुरू हो चुकी है। अब सभी भक्तों को नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज से ठीक लगभग 5,500 वर्ष पूर्व जब भगवान श्री कृष्णचंद द्वापर युग में इस धराधाम पे आ रहे थे, तो जैसे आप सब जानते हैं कि भगवान के आने से पहले देवकी के गर्भ में बलदेव जी आए। उस समय भगवान वैकुंठ में देवी योग माया देवी दुर्गा को बुलाया और भगवान ने देवी योग माया को आदेश दिया, क्या? गच्छ देवी ब्रजम भद्रे गोप गोपीर अलंकृतम रोहिणी वसुदेवस्या भर्यास्ते नंद गोकुले। ये देवी तुम व्रज में जाओ और व्रज में जाकर मथुरा में जाकर देवकी के गर्भ में संकर्षण शेष मेरा ही अंश जो देवकी के गर्भ में आ चुका है उन्हें बिना किसी कठिनाई के तुम रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर। क्या कर दो? देवकी के गर्भ में जो बालक है बलदेव जी महाराज हैं उसे रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित करो। और हे देवी तुम ऐसा करो, हे सर्व कल्याणी योग माया तुम ऐसा करो और मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि आने वाले युग में तुम्हारी पूजा लोग मेरे से भी अधिक करेंगे। क्या कहते हैं कि तुम्हारी पूजा लोग आशीर्वाद दिया कि लोग तुम्हें पृथ्वी पर आने वाले युग में विभिन्न स्थानों में विभिन्न नाम से पुकारेंगे, तुम्हारी पूजा करेंगे, मेरे से भी अधिक पूजा करेंगे। क्या कह के बुलाएंगे? दुर्गा कह के बुलाएंगे, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका, कृष्ण, माधवी, कन्यका, माया, नारायणी, ईशानी, शारदा तथा अंबिका नाम से पुकार। क्या करेंगे? तुम्हें अलग अलग नामों से पुकारेंगे। वाराणसी में दुर्गा कहलाओगी, यवंतिका में भद्रकाली कहलाओगी, उड़ीसा में विजया और कोल्हापुर में वैष्णवी या महालक्ष्मी कही जाओ। इस प्रकार से उस दिन से भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया और देव उच्च योग माया देवी योग माया कहती है कि मैं अभी जा रही हूं उन्हें निकालने के लिए, भगवान बलदेव को स्थानांतरित करने के लिए। मैं नहीं जानती कि ये कैसे होगा, लेकिन क्योंकि मेरे स्वामी मेरे प्रभु मेरे भगवान का आदेश है इसलिए मैं जा रही हूं। बाद में कहती है कि ये कार्य बड़े ही आसानी से हो गया। क्यों? क्योंकि भगवान का आशीर्वाद। तो इस प्रकार उस दिन से देवी दुर्गा भगवान का आदेश पाकर तुरंत स्वीकार कर लिया और उस कार्य को की और उसके बाद जैसा कि भगवान का उन्हें आशीर्वाद प्राप्त है उस दिन से अनेक नामों से इस पृथ्वी पर अलग अलग नामों से अलग अलग जगहों पर क्या होने लगी? पूजने लगी। देवी दुर्गा पे किसका आशीर्वाद है? देखने वाली बात है, भगवान का आशीर्वाद है और इसलिए आज वो पूजी जाती है हर जगह। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 2 अध्याय में ऐसा वर्णन आप देख सकते। लेकिन आज एक बड़ा ही गलत स्थिति उत्पन्न हो चुका है। जो इतना पवित्र पर्व है जिसमें हम देवी दुर्गा की उपासना कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं और उनसे भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, ऐसे इस पवित्र पर्व को हम क्या कर रहे हैं? बड़े ही गलत तरीके से यूज कर रहे। कुछ लोग नवरात्रा मतलब नाच गाना मांस मदिरा बस यही समझते हैं, प्रथम दिन से ही शुरू हो जाते हैं और ना जाने किस किस प्रकार के एडवर्टीजमेंट नवरात्रा के उपलक्ष में देते हैं टीवी पर, जो ये बड़ी ही गलत स्थिति। और कुछ लोग बलि भी देते हैं देवी,
ये भी एक बड़ा ही गलत स्थिति है। देखिए, देवी दुर्गा को जगदम्बे कहते हैं। जगदम्बे मतलब जगत की माता, और जगत की माता मतलब इस जगत में रहने वाले सभी लोगों की माता, सभी पशुओं की माता, सभी जीवों की माता, सभी मनुष्यों की माता। अब आप हमें बताइए कि एक माता कैसे अपने पुत्र का बलि लेकर प्रसन्न हो सकती है? हो सकती है? संभव है? संभव नहीं। आज की कलयुग के माता के सामने जो अपने पुत्र से बहुत अधिक प्रेम नहीं करती, बस स्वार्थवश प्रेम करती है, यदि हम उसे भी उसके पुत्र की बलि चढ़ाएं तो स्वीकार नहीं करती। अब आप मुझे बताइए कि देवी दुर्गा जो अपने पुत्र से बहुत ही अधिक प्रेम करती है, वह कैसे इस बलि को स्वीकारती? बड़ा ही देवी दुर्गा की पूजा कीजिए, अर्चना कीजिए, लेकिन ऐसा उन्हें आदेश प्राप्त है, जिस प्रकार से उन्हें बोला गया उस प्रकार से की। किसी जीव की बलि देकर, किसी बकरे को काटकर जरूर, ऐसी पूजा देवी दुर्गा को स्वीकार भी नहीं। हरे कृष्णा। तो आप अच्छे से देवी दुर्गा की आराधना करिए, प्रार्थना करिए, तो उन्हें कृष्ण आपको कृष्ण की। हरे कृष्णा।